होने की संभावना जताई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मजाक का केंद्र बन रहा है। इसकी स्थिति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को स्पष्ट करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बयान से पल्ला झाड़ा है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है वो आज भाजपा की सांसद के बयानों में झलक रही है। जब इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों के ऊपर, और ख़ास करके तब जब आप एक चुने हुए पद के ऊपर बने हुए हैं, गंभीरता के साथ और सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस केवल भारत तक ही नहीं है, इसके रिपरकशंस जो हमारे कूटनीति है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की, जो हमारी डिप्लोमेसी और देशों के साथ चली हुई है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा ध्यान अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर देना चाहिए, जहाँ पर वो अभी तक, उनको समय नहीं लगा है कि वो हर इलाके में गए, एक दिन का तूफ़ानी दौरा कर वापस चले गई हैं। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वाइट पेपर लाना चाहिए कि कितना सहयोग वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए लाई हैं, पर्टिकुलरली मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र से लाई है, इसके बारे में उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस तरीके के अनफोर्सीन और कॉन्ट्रोवर्शल और सेंसलेस स्टेटमेंट्स जो वो समय समय पर देती है, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, उससे उनको बचना चाहिए। सत्र भी शुरू हो रहा है आज से, किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका को, क्योंकि कल भी सर्वदलीय बैठक में नहीं है। निश्चित तौर से देखिए, हम हर तरीके के प्रहार के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार मजबूत है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर उन्होंने नकारात्मक भूमिका अदा करनी है, हम उसके लिए भी उनको उसी तेवर में जवाब देने के लिए तैयार है, आंकड़ों के साथ तैयार है उसके लिए, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे विधायक दल है कांग्रेस पार्टी का, हर व्यक्ति पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के बातों का जवाब सदन के अंदर देगा। मगर मैं फिर भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से भी और सभी और भाजपा के माननीय सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों के ऊपर बात करें, तथ्यों के ऊपर सरकार का घेराव करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरीके से हर चीज़ पर राजनीति करना, हर चीज़ पर जो है वो उंगली करना, मैं समझता हूं कि ये एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की नहीं दर्शाती है, और इस चीज़ से नेता प्रतिपक्ष को भी और भाजपा के और माननीय सदस्यों को भी बचने की आवश्यकता है।